टीकमगढ़ में सांसद से विवाद और सिंधिया समर्थक पर वसूली का आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक राकेश गिरी के स्वर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद बदल गए हैं। उन्होंने अपने कहे पर सफाई दी और खेद प्रकट किया। राकेश गिरी के बर्ताव का वीडियो वायरल होने के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इस बीच राकेश गिरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात कर सफाई दी। उन्होंने अपनी बात के लिए खेद जताकर माफी मांगी और सिंधिया समर्थक पर लगाए आरोपों को भी वापस लिया। गिरी ने कहा, जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। क्षणिक परिस्थिति थी जिसके कारण आवेश में आ गया था। किसी से कोई विवाद नहीं है, और जो घटनाक्रम है, चूँकि बैठक के दौरान चर्चा के दौरान आवेश में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो नहीं होना चाहिए थी, और उन बातों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ जिन्हें इससे मेरी बातों से कोई जो आहत हुए थे, और एक वातावरण में कहीं ना कहीं चर्चा में वातावरण रहा है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और जो बातें हैं इस प्रकार के मन में ना मेरी कोई रूप से भावना थी ना कोई इच्छा है, तो चूँकि बैठक में आवेश के दौरान ऐसी बातें जो निकल के आ गई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई परिस्थिति नहीं बनी, तो चूँकि अब उस समय हम खुद नहीं बया कर सकते कि कैसे स्थिति निर्मित हो गई, लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ उसके लिए मैं सब क्षमा चाहता। इस मामले में बीडी शर्मा ने कहा, टीकमगढ़ में कुछ घटनाक्रम हुआ था जिसके लिए अध्यक्ष और विधायक को बुलाया था, इसमें बात हो चुकी है, अब सब ठीक है। टीकमगढ़ में कुछ घटनाक्रम हुआ था, इसको लेकर के मैं टीकमगढ़ के अपने सभी जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, वहाँ के विधायक हैं, राजकीय गिरी, उनको सबसे बुलाया था, मुझे बात की, सभी लोगों का समाधान निश्चित है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।